हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जेड टेस्ट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने प्रोवाइड करी थी, उसमें टी टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल, जो कि डिस्कस किए थे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जेड टेस्ट न्यूमेरिकल्स। तो ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट में प्रोवाइड किया था, और प्रीवियसली एग्जाम में आपका एक से दो बार पूछा भी जा चुका है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे भी इसके चांसेस है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सेम टाइप का, तो आपको किस तरीके से वो सॉल्व करना है, लेट यू नो। ठीक है, तो डिटेल में मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको समझ में आए, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स समझ लेते हैं जेड टेस्ट के बारे में। तो जेड टेस्ट हमारा एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, जिसके थ्रू हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, दो तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। ये हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर पाते हैं। आपके कोर्स में सिर्फ तीन तरह के टेस्ट जो है बेसिकली, जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपका टी टेस्ट है, दूसरा आपका जेड टेस्ट है, और तीसरा आपका काई स्क्वायर टेस्ट है। ठीक है, तो इन्हीं पर बेस्ड आपके तीन तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। काई स्क्वायर पर मैं ऑलरेडी न्यूमेरिकल वीडियो दे चुका हूँ, किस तरीके से काई स्क्वायर टेस्ट का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। टी टेस्ट का प्रीवियस वीडियो में मिल चुका है, और जेड टेस्ट का आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो सॉल्व करने में। तो बात करेंगे, जेड टेस्ट आपका यूज किया जाता है तब जब आपको डिटरमाइन करनी है कि मीन जो है वो डिफरेंट है, और तब ज्यादा आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर टेस्ट को जब सैंपल साइज आपका बड़ा है। तो टी टेस्ट जब हम यूज करते थे, जब हमारा सैंपल साइज आपका 30 से कम का होता है, और जब सैंपल साइज आपका 30 से ज्यादा का होगा, तब आपको जेड टेस्ट को यूज करना है। और दूसरी कंडीशन अगर मैं बात करूं, तो पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल होगा जेड टेस्ट में, और पॉपुलेशन का वेरियंस जो होगा वो नोन होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको यूज करना है जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सैंपल साइज आपका लार्ज होगा, यानी कि 30 से ज्यादा, और पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका नॉर्मल होना चाहिए, और वेरियंस जो है वो नोन होनी चाहिए। तो आप इस टेस्ट को बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड उसके बाद में इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो हमारे पास सैंपल है 800 पार्ट्स का। अब ध्यान दीजिए, 800 पार्ट्स 30 से तो ज्यादा ही है, तो सैंपल जो है वो हमारा 30 से ज्यादा हो गया। इसीलिए अगर आपको बोला भी नहीं जाता स्पेसिफिकली कि टेस्ट कौन सा यूज करो, तो आप खुद ही जेड टेस्ट को यूज करते, क्योंकि सैंपल साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स हमें बता रखे हैं 800 पार्ट्स के सैंपल में 60 है। कंपनी का क्लेम है कि सिर्फ और सिर्फ 7% जो प्रोडक्ट्स है वो डिफेक्टिव होते हैं, यानी 7% का मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, 7% या उससे कम भी हो सकते हैं। आपको जेड टेस्ट को अप्लाई करना है और ये वेरीफाई करना है कि जो मैन्युफैक्चर का क्लेम है वो क्या सही है या नहीं है, टेनेबल है कि नहीं है। जो क्लेम कर रहा है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कि 7% का ही डिफेक्ट रेट होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं उसका 7% ही डिफेक्टिव होता है, तो ये क्लेम आपको बताना है। ये जो एक हाइपोथेसिस है इसको आपको प्रूव करना है कि ये सही है या गलत है। यहाँ पर देखिए, टेबल वैल्यूज आपको ऑलमोस्ट दे रखी होती है, तो क्वेश्चन में कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो कि 5% पे दे रखा है, और हमारी जो Z की वैल्यू है, टेबल वैल्यू, वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जो कि आपको क्वेश्चन में यूज करनी है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ सॉल्यूशन कैसे करना है उस पर ध्यान देना है। तो चलिए आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि डिफेक्टिव पार्ट्स टोटल सैंपल में से अगर मैं बात करूं, तो मेरा सैंपल का साइज जो है वो क्या है, सैंपल साइज जिसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे एन से, वो दे रखा है 800 का। और यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स
इन सैंपल कितने दे रखे हैं, इन दी सैंपल वो आपको बता रखा है, जिसको मैक्स मान लेते हैं वो दे रखा है 60। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें मानते हुए चलेंगे। लेट पी, छोटा पी है ध्यान दीजिएगा, पी बराबर प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स इन दी सैंपल। हमने नंबर देख लिया, अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो डिफेक्टिव पार्ट्स का प्रोपोर्शन क्या है सैंपल में, जिसको आप निकालोगे एक्स को डिवाइड करके एन से। एक्स की वैल्यू है 60, एन की वैल्यू है 800, तो हमारी जो पी की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 0.075। ठीक है, तो आपकी ये पहली वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा हम अजम्पशन करेंगे बड़े पी को, जो कि बेसिकली पॉपुलेशन का पैरामीटर होगा, यानी कि टोटल से बात करेंगे, तो पी हमारा डिनोट करेगा प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स इन दी पॉपुलेशन। लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, यहाँ पर बता रखा है, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग में, टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसमें आपका जो प्रोपोर्शन है डिफेक्टिव पार्ट्स का, उसको हमने बड़े पी से डिनोट किया, और उसका परसेंटेज है यहाँ पर 7%, जिसको आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो फाइनली पी बराबर 0.07%। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू भी आ गई आपके पास, तो छोटे पी की वैल्यू आ गई 0.075, बड़े पी की वैल्यू आ गई 0.07, जो कि 7% आपको क्लेम है मैन्युफैक्चरर का, वही यहाँ पर हमने यूज किया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम क्या करेंगे, अपनी हाइपोथेसिस सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर मानते हैं लेट एच जीरो, मैं ब्रैकेट में आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं पता उनको फिर समझ में आ जाएगा। नल हाइपोथीसिस जो है वो हम मान के चलते हैं कि जो हमारी पी है वो 0.07% ही रहेगी, यानी कि जो क्लेम है मैन्युफैक्चरर का वो ट्रू रहेगा। और यहाँ पर H1 यानी कि जो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रहेगी, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रोपोर्शन है डिफेक्टिव पार्ट का टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा रहेगा आपके जो क्लेम रेट है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पहली हाइपोथेसिस सेट हो गई, तो इसको सेट कर लिया हमने, और हमारी H1 भी सेट हो गई है, जिसमें हमने पी की जो वैल्यू है ग्रेटर ले रखी है 0.07% से। तो यहाँ पर क्लेम है कि 7% जो डिफेक्ट रेट है वो सही है, इज राइट। और यहाँ पर जो डिफेक्ट रेट है इज मोर देन 7%। तो सिंपल सी बात है, अगर H0 जिसको, अब देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, टेस्ट हमेशा जो होती है वो होती है नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जाता। तो अब हम अपनी जो नल हाइपोथेसिस है जो हमने एज्यूम करी है उसको टेस्ट करेंगे। अब उसको टेस्ट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि जेड टेस्ट का होता है। जेड टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिएगा, अंडर रूट में एन स्मॉल पी माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको पी जीरो डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, और ये हमारी अगेन पी जीरो वन माइनस पी जीरो। ठीक है, ये आपको जी टेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जेड टेस्ट जो हमारा है अंडर रूट में एन ब्रैकेट पी माइनस पी जीरो डिवाइडेड बाय अंडर रूट में पी जीरो वन माइनस पी जीरो। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है उनको पुट करेंगे,
तो अंडरस्कोर में एन की जो वैल्यू है वो है 800, ठीक है, और पी की जो वैल्यू हमारी थी वो निकली 0. अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा देख लीजिए, 0.075, 0.075 माइनस पी जीरो की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 0.07. अब हम अंडर रूट में वैल्यू पुट करेंगे, 0.071 माइनस 0.07, ठीक है, वैल्यूज आगे वही पुट करते जाइए. अब अगर मैं बात करूं तो 800 का अंडर रूट की वैल्यू निकलेगी 28.28, ब्रैकेट में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.005, और अंडर रूट में आपकी जो वैल्यूज रहेंगी 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 0.93, ठीक है, इतनी वैल्यूज हो गई. आगे जाके 28.28 मल्टीप्लाइड बाय 0.005 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो 0.063, और यहाँ पर हमारी जो ऊपर में वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में वो आ जाएगी 0.14125, ठीक है, और नीचे हमारा अंडर रूट हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25099. दोनों का पॉइंट आप हटा सकते हैं, कट करने के बाद में जब आप कैलकुलेटर से काउंट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकलेगी 0.5629. अब देखिए ये वैल्यू थोड़ा सा ना, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो जितना डेसिमल वैल्यू लेंगे उस हिसाब से चेंज होती रहेगी, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा बहुत चलता है. तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकली और ये हमारी क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है. क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है जेड की. तो अब कैलकुलेटेड वैल्यू तो निकल आई, अब टेबल वैल्यू की बात करें तो टेबल वैल्यू हमारी दे रखी है जो कि है ग्रेटर सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1.645, ओके. तो अब इसी को हम यूज करेंगे हमारी टेबल वैल्यू को. तो नाउ एट सिग्निफिकेंस लेवल जो हमारा दे रखा है 0.05 का, जो क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल रीजन फॉर दिस राइट, अब जो हमारा टेस्ट है ये राइट टेल्ड टेस्ट है, तो उसकी जो होगी वैल्यू हमारी वो क्या होगी, जो वैल्यू बता रखी है 1.645, यही हमें क्वेश्चन में बोल रखी है, ठीक है. तो हमारी जो टेबल वैल्यू है वो ये है, यानी कि जो वैल्यू है आपकी जेड की वो या तो बराबर हो 1.645 से, या आपकी जो वैल्यू हो वो लेस देन हो 1.645 से. तो अब आप चेक कीजिए इन दोनों में से आपकी जो कंडीशंस है वो कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो फुलफिल कर पा रही है. तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो निकली 0.5625, इसको यहाँ लिख लेते हैं. तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है हमारी 0.5629, ठीक है. अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो 0.5629 इज लेस देन एक्चुअली 1.6425, तो इससे हम ये फाइनली प्रूव कर सकते हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, करेक्ट है. तो हमारा जो आउटकम निकलेगा क्या है, अब हम कह सकते हैं सिंस दी कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन दी क्रिटिकल वैल्यू, और यू कैन से द टेबल वैल्यू गिवन, वी एक्सेप्ट आर H0 जो कि हमारी है नल हाइपोथेसिस. तो हम अपनी जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है लेस देन है हमारी क्रिटिकल वैल्यू या टेबल वैल्यू के. तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं हेंस
वी कैन से दैट द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम, जो मैन्युफैक्चरर का क्लेम है वो टेनेबल है, यानी कि वो सही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन, और इस तरीके से ही करना है आपको। तो बेसिकली स्टेप्स ध्यान रखिएगा, बहुत इजी होता है, सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसको कंपेयर कर देनी है आपकी जो टेबल वैल्यू गिवन है उससे। टेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो बस थोड़ा सा स्टेप्स को फॉलो करना है और आप कर लेंगे अपने सोल्यूशन को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बाकी मैं ये PDF ऐड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई वीडियो चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम, स्टे सेफ, तैयारी करो।